बहुत बार नौकरी करते करते आपने सोचा होगा कि बस बहुत हो गई नौकरी, अब अपना कुछ किया जाए। बहुत बार आपके जहन में ये भी सवाल उठा होगा कि क्यों ना कुछ अपना सेटअप ऐसा लगाएं जहां पर नौकरी करने के बजाय नौकरी लोगों को दी जाए। इसी तरीके की सोच से विकासशील देश जितने भी हैं विश्व में, जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, उनकी विकास यात्रा इसीलिए पूरी हुई क्योंकि स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। भारत में पिछले 5 सालों में स्टार्टअप्स की गूंज सुनाई दे रही है और बहुत सारे लोग हैं दूर दराज इलाकों में जिनको स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियां नहीं पता है। नमस्कार, मैं हूं नीलू और हर हफ्ते आपके लिए लेकर आऊंगी दूरदर्शन का ये खास कार्यक्रम स्टार्टअप्स की बात। तो जोरदार तालियों से शुरुआत करते हैं स्टार्टअप्स की बात का पहला एपिसोड। तो आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात या रूबरू करवाएंगे ऐसे सफल उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने एक आइडिया को एक विजन में बदला, एक बिजनेस वेंचर में बदला। उनके सामने बहुत सारी मुश्किलें भी आई और उन सब इनकी पूरी जो जर्नी है, उनकी पूरी यात्रा थी वो कैसी रही, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी एक्सपर्ट वॉइसेस से भी मिलवाएंगे और बहुत सारे ऐसे दर्शक भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे जिनके पास कुछ आइडिया होगा और वो उस आइडिया को बड़ा बनाकर, उसको एक बड़ा बिजनेस बनाकर शायद पेश करना चाहेंगे। तो उनके लिए भी हम सॉल्यूशंस और उपाय इस प्रोग्राम के जरिए लाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इसी उम्मीद से कि स्टार्टअप की बात पूरे भारत के उस कोने कोने में जाएगा जहां पर किसी एक व्यक्ति या बच्चा या बड़ा, उसके जहन में एक आइडिया आया होगा और उस आइडिया को वो कैसे एक बड़ा बिजनेस, कैसे एक बड़ा वेंचर बना के देखेगा। शायद ये प्रोग्राम स्टार्टअप की बात इस विजन का एक जरिया बनेगा। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं और आपको मिलवाते हैं हमारे स्टार एंटरप्रेन्योर्स। मैं शुरुआत करूंगी ध्रुव सानी से, वो को फाउंडर शिप्सकार्ट मरीन प्राइवेट लिमिटेड के। उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये कंपनी जो इनकी शिप्सकार्ट है ये बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, सिर्फ 2 साल पुरानी ये कंपनी है, लेकिन इसका टर्नओवर जो हमें बताया जा रहा है वो 70 से 80 लाख रुपए महीने की आमदनी इनकी है। सिर्फ 12 लोगों के साथ इन्होंने एक इतना बड़ा छोटा सा वेंचर जिसको इन्होंने बड़ा किया, तो उसके बारे में सुनेंगे। आई वेलकम यू ऑन द प्रोग्राम ध्रुव सानी, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। नेक्स्ट टू हिम इज अनदर स्टार एंटरप्रेन्योर ऑफ द डे ऑन स्टार्टअप की बात एंड दैट इज करण नाम्बियार। ही इज को फाउंडर ऑफ ट्रंकेट म्यूजिक। मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसने एक ऐप डेवलप किया है और बहुत सारे इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस हैं जिनको बड़े प्लेटफॉर्म्स पर मौका नहीं मिलता है, तो करण नाम्बियार उस ऐप के जरिए ऐसे आर्टिस्ट को मौका दे रहे हैं। करण, यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बट लेट मी टेल यू आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि इस प्लेटफॉर्म पर 400 से अधिक आर्टिस्ट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। इन्होंने अभी मोनेटाइज करने के लिए नहीं सोचा है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स इनके क्या होंगे उसके बारे में इनसे बात करेंगे। आई वेलकम यू ऑन द प्रोग्राम एंड अ वेरी बिग थैंक यू टू दिस वंडरफुल ऑडियंस एंड लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस यू टू आर स्पेशल गेस्ट हु विल बी ज्वाइनिंग अपार्ट फ्रॉम दीज एंटरप्रेन्योर्स एंड दे आर Mr. Rajeev Kapur. He is the Managing Director, Steelbird Helmets. He is also Co-Chairman of the ASSOCHAM National Council. I welcome you on the program. Next to him is Asta Grover. Asta Grover is from the Startup India Hub team and Invest India. She is coordinating with the government on the basis of what the startups in the country are doing. And also next to her is Dr. Preet Deep Singh, also from Startup India Hub team, Invest India, and he's also coordinating with the government on how startups should look like, what are the government initiatives. They'll shed light on this. Welcome you gentlemen on the program. And so we begin the program on a light note saying that manzile aapke samne hai lekin rasta aapko kaise tay karna hai, dusre ki madad se ya khud ki madad se. So Dhruv, I'm going to open, throw the floor open to you. Ab aap ye bataiye ki kaise wo idea aapke dimag mein aaya ki ek badi si company banai jaye, aap iske pehle kya karte the, thoda sa uske bare mein bataiye. Mera naam Dhruv Sahani hai aur main Shipscart ka co-founder hu. Mere sath do log aur jude hue hain, Sunny and Vivek. So, मेरा बैकग्राउंड मर्चेंट नेवी से था. मैं पिछले 14 साल से सेल कर रहा था. आई वॉज अ सेलर. सो लास्ट 7 ईयर्स मैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था. सो ये आइडिया मतलब बहुत मुश्किल नहीं था कि ये आइडिया आए, बिकॉज द इंडस्ट्री हैज बीन बिहाइंड इन एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द शिपिंग इंडस्ट्री. सो 2 साल पहले कुछ हमको ये आइडिया आया एंड
जो पहली चीज हमने करी वो डिसाइड किया कि कौन कौन इस आइडिया में शामिल होंगे. एंड एक बार आपकी टीम बन जाती है तो आपको पता है आगे के यू नो रास्ता अपने आप खुलता रहता है. सो उस आइडिया के बाद जब ये आइडिया आपके मन में आया तो आपके पेरेंट्स ने नहीं बोला कि इतनी अच्छी मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ के तुम क्या करने वाले हो? ऑफ कोर्स वो बहुत ही मुश्किल स्टेप था बिकॉज यू नो मेरी शादी हो रखी थी एंड यू नो आई हैव अ फैमिली. शुदा भी हो? हां जी. सो आई हैड अ फैमिली. ओके, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू दिस यंग जन. ओके, यस. सो अब जैसे आपने बताया अच्छा पैसा होता है मर्चेंट नेवी में, वो सब कुछ छोड़ के अपना स्टार्टअप शुरू करना वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट डिसीजन. बट जब हम तीनों को फाउंडर्स मिले तो हमने सबसे पहली बात यही करी थी कि नौकरी तीनों को छोड़नी पड़ेगी इकट्ठे. और चलते 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 मुश्किलें बहुत आई, बहुत फ्रस्ट्रेशंस भी होती थी बीच में, बट आस्ते 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 जैसे आपने बताया हमारा टर्नओवर अब काफी अच्छा हो गया है. एंड स्टार्टअप इंडिया का ऑब्वियसली इसमें बहुत बड़ा योगदान है. उन्होंने दो साल पहले हमको सर्टिफाई किया था एंड हमने अपना पहला ऑफिस दिल्ली में खोला, उसके बाद हमने रोटरडैम में ऑफिस खोला और अब स्टार्टअप इंडिया के बदौलत हम दुबई में भी अपना ऑफिस खोलेंगे. ओके, लवली. ओके, अब करण आपसे जानेंगे कि आपको ये आइडिया कैसे आया, जो ये ट्रम्पेट म्यूजिक का जो आइडिया था. तो ध्रुव की तरह ही, मतलब आई थिंक आपका करियर क्या था, पहले क्या करते थे उसके बारे में पहले. तो चार साल मैंने रेडियो में काम किया था अनफॉर्चुनेटली, बट द स्टेशन हैड टू थ्रो मी आउट ऑफ द स्टेशन. सो वेन डी स्टेशन कम्प्लीटली, डी स्टेशन कम्प्लीटली एंड वेन इमरजेंसी हिट्स तभी आइडिया ही आता है और तो कुछ आता नहीं है. सो उस मामले में आई वॉज ऑलवेज अ म्यूजिशियन माई सेल्फ एज वेल. सो आई बीन इन टू द म्यूजिक सीन काफी टाइम से. मैं खुद एक म्यूजिशियन था, स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन कह लो आप. तो मेरा एक आइडिया था, जैसे फिल्मों के इंडस्ट्री में पायरेसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बीच में, बट द फिल्म इंडस्ट्री समहाउ मैनेज टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, वेदर इट्स टू इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन लाइक नेटफ्लिक्स और गूगल. एंड व्हाट दे बेसिकली डिड वाज वो पायरेसी को उन्होंने चेकआउट कर दिया. बट म्यूजिक इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम अभी भी थी बिकॉज 80% ऑफ द इंडस्ट्री इज स्टिल कंट्रोल्ड बाय फोर म्यूजिक लेबल्स, मेजर म्यूजिक लेबल्स, हु टेक बैक होम मोस्ट ऑफ द मनी एंड द आर्टिस्ट इज द वन हू सफरिंग. सो इन सच अ सिचुएशन मेरा आइडिया था कि हाउ कैन एन आर्टिस्ट लाइक मी और हु, बिकॉज आई बिलीव माई म्यूजिक इज एज गुड एज एनीवन एल्स. अच्छा, तो आपको इंटरप्ट करने के लिए एक छोटा सा मैं आपको इंटरप्ट करती हूँ. अगर मेरे जैसा व्यक्ति आपके प्लेटफॉर्म से अगर जुड़ना चाहता है, मैं एक टेलीविजन एंकर हूँ, अगर मुझे आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, मैं गाती भी बहुत अच्छा हूँ, तो कैसे मैं जुड़ूंगी? तो बेसिक बैरिया क्या है? हम किसी को, वी डोंट डीमोटिवेट एनीवन टू कम. हमारा सीधा एक रूल है कि आप हमें अपने जो भी म्यूजिक और आपका पैशन है आप मेल करेंगे टू कीप अ बेसिक फिल्टर, ताकि टू इंश्योर कि ऐसा नहीं कल को मेरे नेबर जिनको गाना नहीं आता वो माइक लेके चलाए और वो ऐप पे आ जाए. तो एक बेसिक फिल्टर रखते हैं ताकि देयर इज सम अमाउंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड द इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री को लोग और सीरियसली देखें. तो इसलिए एक बेसिक फिल्टर होता है, बट एनीवन कैन मेल द ट्रैक्स. हमारी कंटेंट टीम सुनती है उन ट्रैक्स को और एज लॉन्ग एज प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग और एक सर्टन लेवल पे आता है, वी पुट द ट्रैक्स ऑन एंड एक्चुअली पुश द आर्टिस्ट. एंड द गुड थिंग इज इट्स बेसिकली द होल प्रॉब्लम इज अबाउट इन योर अदर लेबल स्ट्रीमिंग एप्स, यू आर अ स्मॉल फिश इन अ वेरी बिग पॉन्ड. तो शार्क्स आपको खा लेंगे. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पहले आप अपने, कितनी शार्क्स ने आपको खाया पहले बताइए. मुझे काफी, मतलब मैं जब मिशन था, आई एक्चुअली ओपन, जब मैं मिशन था आई ओपन फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट मेटल बैंड्स इन द वर्ल्ड, मेटालिका के लिए मेरे बैंड ने ओपन किया था. तो ऑब्वियसली उस टाइम मेरे सपने बुलंद थे, बट फिर रियलिटी अलग हो जाती है और यू कम टू टर्म्स विद व्हाट इज द इशू. द इशू इज एक्सपोजर. और जब मैंने रेडियो में काम किया और मुझे देखा कि मेरे खुद के गाने नहीं बच सकते डिस्पाइट मी वर्किंग देयर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिकॉज ये लेबल्स अलाउ नहीं करेंगे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को टू गेट अप अनलेस दे कैच ऑन टू देम. सो दिस माई आइडिया इज लिटिल फार फेच्ड बिकॉज आई एम सो पैशनेट अबाउट इट, बट मेरा होल कहना है कि द म्यूजिक इंडस्ट्री नीड्स अ लॉट ऑफ चेंज बिकॉज द वे इट्स बीइंग मोनेटाइज्ड राइट नाउ इट इज गोइंग टू क्रैश. And we are looking at a very peaceful and long-term way of how to change that and be so respectful. Your platform is capable of churning out many Lata Mangeshkars, many Absolutely. Kishore Kumars, and maybe even sitting in a remote corner if somebody gets hooked onto your app. Exactly. And the idea is before life churns them out. Okay. So, uske pehle hum pakad lenge. Great. Let me go to Aastha and Dr. Preet Deep Singh now on. The little initiatives which little and the big initiatives which they have made, and Dr. Deep, why don't you comment on these small initiatives and how and in what way Startup India has really played a role in bringing on in the forefront, you know, the artists like these artists and entrepreneurs. Right. So I think the first thing that has come about is sensitization.
जस्ट दी अवेयरनेस की हाँ अगर मेरे पास एक आइडिया है तो मैं उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है. एक फेलियर स्टिग्मा है कि अगर ये ना चला तो क्या होगा, उस चीज का हम धीरे धीरे देख रहे हैं. देर इज अ चेंज, देर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफर्स. जैसे स्टार्टअप इंडिया हब पे अगर आप जाएंगे तो मान लीजिए जैसे किसी ने अपनी अगर ऐप डेवलप की है तो उनको क्लाउड स्पेस चाहिए होगा, उनको कॉलिंग स्पेस चाहिए होगा, अगर आपका कस्टमर इंटरफेस है तो उनको एक कस्टमर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, सेल्स मैनेजमेंट, एचआर, ऐसी बहुत सारी चीजें अगर आप स्टार्टअप इंडिया रिकग्नाइज होते हैं तो आपको स्टार्टअप इंडिया हब पे फ्री प्रोवाइड की जाती हैं. बेसिकली पहले के 6 महीने के आपके जो खर्चे हैं वो सरकार बियर कर रही है थ्रू फ्री पार्टनर्स. ओके. एंड ज्यादा जैसे डॉक्टर दीप ने भी बोला कि आप कोई भी आइडिया को जब आप वेंचर में बदलने की कोशिश करते हैं सबसे पहला जो आपके दिमाग में जो चीज एक हर्डल या रोड ब्लॉक कह लीजिए वो आता है वो ये आता है कि हमारे पास पैसे कैसे आएंगे. अगर मैं बिजनेस में अपनी सारी जो बची खुची मेरी पूंजी और अगर मैं वो लगा दूं एक ऐसे आइडिया में जो टेक ऑफ ही नहीं करेगा तो सबसे बड़ा दिमाग में जो रोड ब्लॉक होता है वो ये होता है. तो कैसे उसकी हैंड होल्डिंग होगी अगर इनमें से बैठे आज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो अपने एक नए आइडिया को लेकर आएंगे तो आप उनको कैसे अश्योर करोगे? तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि एक आइडिया को एक वेंचर में कन्वर्ट कैसे करें, इसके लिए हमने बहुत सारे बिजनेस मॉड्यूल्स एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट कोर्सेज बनाए हैं. ये कोर्स किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए फ्री है और मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, सो इंग्लिश और हिंदी में. इस कोर्स को करने वाले की संख्या अभी तक दुनिया में 1 लाख प्लस है विद इन इंडिया. तो इस कोर्स ने ये बेनिफिट किया है कि आज मेरे पास एक आइडिया है, उस आइडिया को मैं कैसे टेस्ट करूं कि मार्केट एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, मैं कहां कहां से पैसे इकट्ठे कर सकता हूं इस आइडिया को बढ़ाने के लिए. तो ये मॉड्यूल ये सारी जानकारी देता है. मैं अपनी कंपनी को किस फॉर्म में स्ट्रक्चर करूं, कंपनी बनाऊं, पार्टनरशिप बनाऊं, सोल प्रोप्राइटरशिप करूं, कैसे कैसे मैं ये किस फॉर्म में बनाऊं, हर एक के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इस कोर्स में मुझे मिलते हैं. तो जब मैं ये पूरा कोर्स करती हूँ मेरे पास एक बिजनेस प्लान बन के आ जाता है. ये बिजनेस प्लान मुझे आगे हेल्प करता है कि मैं ये बिजनेस प्लान अपना इन्वेस्टर या बैंक के पास लेके जाऊं जिससे मुझे पैसे मिल पाएंगे. मैं अपने पेरेंट्स को भी ये समझा पाऊंगा कि ये आइडिया मैं कर रहा हूं और इसकी वैलिडिटी मुझे इस कोर्स के थ्रू मिल चुकी है. तो पूरी जर्नी से ये सहायता करता है. अलग बेसिकली जो डॉक्टर दीप ने बोला कि जो पहले 6 मंथ्स की हैंड होल्डिंग है वो सरकार के वजह से होगी, सरकार उसको फैसिलिटेट करेगा. तो लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है कि अगर वो आइडिया अपना बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे तो उनके बची कुछ उन्हें पूरे सहायता और सपोर्ट मिलेगा, सारी जानकारी मिलेगी ये आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए. राजीव आपके पास आऊंगी कि आपकी तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनी है और अब जब ऐसे नए इनिशिएटिव जब आप देखते हैं तो आपकी अब जैसे करण और ध्रुव की बात अगर कह लें, आपने इनको सुना और कैसे इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स को एस्टैब्लिश किया तो उस पर आपका क्या कहना है इन दोनों के इनिशिएटिव्स पर? ऐसे जी हमारे हिंदुस्तानी दोस्त बच्चे बहुत तरक्की कर रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है. और आइडियाज कोई एक आइडिया कहां तक जा सकता है कोई समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता. अगर आप ओला देखें, उबर देखें, आइडियाज कहां से कहां चले गए, टिकटॉक कहां से कहां चला गया. तो मेरा मानना है कि हमारे हिंदुस्तानी दोस्त सारे बहुत ब्रिलियंट हैं. सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है, अब तो बहुत आसान हो गया बिजनेस. हमारे टाइम में बिजनेस तो बहुत मुश्किल होता था. हमारे टाइम में अगर एक चीज किसी को दिखानी होती थी तो चिट्ठी भेजते थे, सैंपल भेजते थे, हाथों में सैंपल लेके जाते थे, गली गली मतलब एक एक गांव में जाना पड़ता था. अब तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, आपको कोई चीज दिखानी है आपने बताना है, यू आर वेरी फास्ट नाउ. आप एक पिक्चर डालो तो हजारों जगह पहुंच जाती है, एक वीडियो डालो हजारों जगह पहुंच जाती है. नाउ थिंग्स बिकम मोर इजी, बिजनेस बिकम मोर इजी नाउ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नाउ यू नीड अ स्मार्ट पीपल. लेकिन जब आपने अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करी स्टीलबर्ड हेलमेट, हाँ जी, उस समय शुरुआती दौर में जब आपकी कंपनी बिल्कुल कुछ नहीं थी, जीरो थी, और आपने सोचा कि अब एक ऐसी कंपनी बनाई जाए, तो उसके कंपैरिजन में आप जो अभी के इनिशिएटिव्स हैं उसके कंपैरिजन में आपकी क्या डिफिकल्टीज थी? जब आपको लोग सुनेंगे तो वो भी सोचेंगे कि नहीं भाई अब तो हम हिम्मत कर सकते हैं. हमारे टाइम तो बहुत ही बहुत डिफिकल्टीज थी, अब तो बहुत सिंपल है. हमें 52 इंस्पेक्टर्स लगते थे, 52 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से जो हमें लगते थे. बैंक से लोन लेना इतना मुश्किल होता था जिसके होते 18% ब्याज, 20% ब्याज, 22% ब्याज. अब तो वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी फंड 20% की रिटर्न देखते हैं, हम 20% ब्याज देते थे. बहुत ही मुश्किल होता है बैंक से लोन लेना, आपका प्रॉपर्टी है, जायदाद है, कुछ भी है, बैंक से लोन लेना आसान नहीं होता. तो आप इन दोनों को आज क्या मैसेज देना चाहेंगे करंट प्रूफ को? सी आइडियाज आर फैंटास्टिक है ना. सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इज मनी. बहुत बड़ा चैलेंज है, पैसा
बिजनेस में लाना, आप टीम बिल्डअप कर सकते हो, अच्छे लोग ला सकते हो, वही बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑर्गेनाइजेशन दो ही चीजों पर टिकी है, वन इज द मैन पावर कि आपके पास बहुत अच्छी टीम है, आप खुद एक अच्छे हैं और आपके पास अच्छी टीम है, सेकंड इज द मनी। अब सरकार बहुत अच्छा स्टेप उठा रही है स्टार्टअप्स के लिए, पैसे जनरेट करके दे रही है, बट इट्स नॉट सो इजी। मेरा ये मानना है कि जब एक स्टार्टअप के पास बहुत सारे पैसे आते हैं वो पैसे संभाल नहीं पाता, इट हैपन समटाइम, ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप देखेंगे कि लॉट ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने लोगों को पैसे दिए और लोगों ने पैसे उजाड़ दिए, खत्म कर दिए, बिकॉज वो पैसे संभाले नहीं गए उनसे, क्योंकि उन्होंने कभी देखे नहीं थे, उनको फंड मैनेजमेंट करना नहीं आता था। सो नाउ मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बहुत अच्छा स्टेप ला रही है कि स्टार्टअप का पूरा स्टडी करें, उनके प्रोजेक्ट स्टडी करें, उनके फेज मैनर स्टडी करें और उनको फेज मैनर में फंडिंग करें। बिल्कुल, कि आपने ये कहा था, आपने ये अचीव कर लिया, चलो जी नेक्स्ट फंड देते हैं, आपने ये अचीव कर लिया, नेक्स्ट फंड देते हैं। सो गवर्नमेंट को अच्छी तरह स्टडी करना चाहिए, स्टार्टअप्स को फंडिंग करनी चाहिए, बट ऑलवेज इन अ फेज मैनर। राइट, and the government is already in the process of facilitating a lot of things for the startups and all the young entrepreneurs. For the last 5 years we've seen that ek bahut hi acha mahol raha hai startups ke ubharne ka, to government apne aap se facilitate kar rahi hai, lekin kya gaon mein baithe insaan ko startups ke bare mein pata hai? Hamari startups ki baat ka ye program dur daraz ilaqon tak pahunchega aur gaon ke un log, वो जो यंग लोग हैं गांव में बैठे हुए, जो एक पाठशाला में जाने वाला या स्कूल में जाने वाला बच्चा है, वो अपने एक छोटे से आइडिया को कैसे एक बड़े वेंचर के रूप में कैसे देख सकता है? शायद इसी उम्मीद से हम इस प्रोग्राम को आप तक लेकर आए हैं कि वो ये प्रोग्राम आपके लिए इन चीजों को आसान और सुनियोजित करेगा। अब ध्रुव की स्टोरी पर चलते हैं और आइए एक नजर डालते हैं कि ध्रुव सानी की जो कंपनी है वो एक्चुअली क्या करती है, उसे देखिए और थोड़ा सा आइडिया लगाइए और उसके बाद फिर हम ध्रुव के पास बातचीत के लिए चलेंगे। पंद्रह साल की हमारी नौकरी रही है मर्चेंट नेवी में, हमने बहुत सारी प्रॉब्लम में फेस करी है। शिप की जैसे नौकरी है उसमें बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, उस स्ट्रेसफुल लाइफ में हमें मरीन प्रोक्योरमेंट में मरीन की चीजें हमें ऑर्डर करने में बहुत टाइम लगता है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक चीज बनाई, हमने और ध्रुव ने मिलकर के अपना शेयर एक्सपीरियंस किया, शेयर एक्सपीरियंस करने के बाद में हम इस चीज को कैसे डेवलप कर सकते हैं कि आगे आने वाले सी फेरर को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें हमने अपनी ऐप बनाई है, हमने अपना वेबसाइट बनाई है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें 44,000 आइटम्स उसमें हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज है, जिसमें पूरा इम्पा कोड है, आपके सेफ्टी आइटम्स हैं, लूब ऑयल्स हैं, स्टेशनरीज हैं, फूड है, सारी चीज आती है। हम पिक्चर्स दिखा सकते हैं, हम उस आइटम का डिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं, जस्ट मेकिंग श्योर दैट चीफ ऑफिसर और कैप्टन और एनी क्रू विल रिसीव गुड स्टफ। हम इन्वेस्ट इंडिया से एफिलेटेड हैं, DIPP का हमारे पास रिकग्निशन है और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे SCI के SCI, DCI और बाकी काफी सारी चीजें, इंडियन नेवी और सब जगह पे हमारी मीटिंग फिक्स कराई है और हमें काफी बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपने अभी देखा कि जो ध्रुव सानी की कंपनी है शिपकार्ट मरीन प्राइवेट लिमिटेड, वो एक फैसिलिटेटर का काम कर रही है और हमें जो बताया गया है कि वो दुनिया में अपने आप में एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि एक फैसिलिटेटिंग प्लेटफॉर्म लेकर आई है मरीन प्रोडक्ट्स के लिए। दे आर अ फैसिलिटेटिंग प्लेटफॉर्म बिटवीन द शिपिंग कंपनी एंड द शिपिंग सप्लायर्स। सो टू कम टू यू ध्रुव, जब आपने ये आइडिया आपने जब जनरेट किया कि नहीं अब हमें नौकरी छोड़ के और अपने इस कंपनी के लिए अब हमें काम करना है, सबसे बड़ी दिक्कत आप तीनों के लिए क्या आई थी सबसे पहले? डिड यू हैव इनफ मनी इन योर पॉकेट टू बिगिन अ कंपनी लाइक दैट? सो फॉरमोस्ट टू थिंग्स दैट कम टू आवर माइंड, फर्स्ट ऑब्वियसली द मनी पार्ट, दैट पता नहीं कब हम पैसा कमाना शुरू करेंगे। तो नॉर्मली आपको कोई भी कंपनी चलाने के लिए कम से कम 2 साल 1.5 साल का पैसा तो चाहिए ही चाहिए। सो वी हैड EMIs टू लुक आफ्टर, लोन्स ले रखे थे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उतना पैसा इकट्ठा करना। सो हमने डिसाइड किया था कि हम एक लंबे टाइम के लिए सेल करेंगे एंड यू नो वील पुट द सेविंग्स इन द यू नो अकाउंट एंड ट्राई टू यू नो मिनिमाइज आर एक्सपेंडिचर। उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम थी, हम तीनों में से कोई भी
यू नो इज नॉट अ टेक को फाउंडर, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता. हमारे पास आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, हम इंडस्ट्री से हैं. और आपको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काम करना है. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना था, लेकिन हम में से कोई भी आईटी से नहीं है. जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी, शिप्सकार्ट इज एन एमेजॉन लाइक मार्केट प्लेस विच इज द फर्स्ट इन इट्स काइंड इन द होल वर्ल्ड. सो जो मैरिटाइम प्रोक्योरमेंट मार्केट है, दैट इज वैल्यूड एट 100 बिलियन US डॉलर्स. एंड हमने दुनिया की सबसे पहली ऐप बनाई है जिससे कोई भी शिप पे बैठकर सामान ऑर्डर कर सकता है. लवली. तो हमने जब हमने शुरू किया ये, तो दो तीन महीने तक यू नो देयर वाज नथिंग, कुछ कोई ऑर्डर नहीं था, कुछ नहीं था. एंड देन स्टार्टअप इंडिया की सर्टिफिकेशन शुरू हुई, वो मिला. उसके बाद हमने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था जो नेदरलैंड्स में था, पोर्ट ऑफ रॉटरडैम, जो यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है. okay. उन्होंने एक दे स्काउट फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. सो दे सिलेक्ट अबाउट जस्ट 14-15 आउट ऑफ द 30 स्टार्टअप्स दैट दे आर फाइनली सिलेक्टेड. ओके. सो उनमें से हम सिलेक्ट हुए. तो लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर आप स्टार्टअप इंडिया की मदद से गए थे. करेक्ट करेक्ट. सो वहां पहुंचे हम. जब वहां पे पहुंच गए तो हमको और विजिबिलिटी मिली. तो जब हम वहां से वापस 4 महीने बाद रॉटरडैम से इंडिया आए, तो हमारे ऑर्डर्स भी बढ़ने लग गए. एंड सी, आइडिया वॉज सच के हमें कभी भी किसी को समझाने में प्रॉब्लम नहीं हुई कि ये आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, या किसी को कुछ, मतलब नोबडी हैड अ हिच इन, यू नो, नोबडी हैड अ डाउट इन देयर माइंड दैट दिस विल वर्क और नॉट. एवरीबडी न्यू दैट दिस इज वॉट द प्रेजेंट शुड बी एंड वॉट द फ्यूचर फॉर द मैरीटाइम प्रोक्योरमेंट मार्केट होल्ड्स. नहीं तो आपके लिए इसलिए आसान था क्योंकि कोई प्रेसिडेंस नहीं था, कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो आपको टक्कर देती. तो आपको पता था कि अगर आप जैसे आप मार्केट में उतरोगे, आपकी मोनोपोली हो जाएगी. सी, अब हमारे बाद भी 3-4 कंपनियां ऐसी है, और हैं जो आ चुकी हैं, मतलब बाहर इंडिया में ही है. आपकी ओपन होने के बाद, हमारी होने के बाद. ओके. दो तीन कंपनियां ऐसी हैं, बट यू नो जो भी कंपनी खोल रहे हैं उनके पास, जो हमारे पास जो सेलिंग एक्सपीरियंस है ना, वी फेस द प्रॉब्लम एट द ग्राउंड लेवल. सो इफ यू सी आर कंपनी स्ट्रक्चर, एवरीबडी इज फ्रॉम द मैरिटाइम इंडस्ट्री एक्सेप्ट सनी, हु वाज द वो टैक्सेशन हेड था एक कॉर्पोरेट में. बट उसके अलावा सबके सब मैरिटाइम इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं. सो हमारे लिए टू गो डीप इन टू द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट, यू नो वी न्यू द प्रॉब्लम इन साइड आउट. सो टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम वॉज द चैलेंज. एंड यू नो वही बात होती है कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्न्ड सो फार, आई से इट्स परसिवियरेंस एंड यू नो एंड बिलीविंग, यू नो फेथ. यू शुड ऑब्वियसली हैव द फेथ इन द प्रोडक्ट एंड परसिवियरेंस. तो आस्ते आस्ते करते करते चीजें अपने आप. तो अब दो चीजें हैं. आपने कहा कि जब आप इस कंपनी को सेटअप कर रहे थे तो उसके दौरान आप इस चीज के लिए बिल्कुल डिटर्मिंड थे कि आपको ग्रास रूट लेवल पे, बेसिक लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्री की, वो आपको इन एंड आउट पता है और आपके सारे साथियों को पता थी. आपको इधर स्टार्टअप इंडिया से एक सपोर्ट मिल रहा था जिसकी वजह से आपको एक कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं इस मैदान में उतरूंगा तो फेल नहीं होऊंगा. लेकिन आज ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन रिस्क लिया जाए या ना लिया जाए, ये सवाल उनके मन में आता है. तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? I mean, see, we are also right now growing only, so it'll be, you know, if whatever little experience that I have gathered up tak apni choti si journey mein, पहली बात तो ऑब्वियसली स्टार्टअप इंडिया, एंड आई लाइक टू मेंशन हियर नेम्स, मिस्टर उदय मुंजाल, निशान मल्होत्रा, यू नो आस्था इज बीन देयर. सो यू नो सबने बहुत हेल्प किया. आई मीन दीज पीपल हैव कम विद अस टू शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड कंपनीज, यू नो टू मीट पीपल, एक्सप्लेन देम, यू नो इट मेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस. हमको तो शायद मीटिंग भी नहीं मिल पाती. यू नो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में घुसना इतना आसान नहीं है, बट दे हैव ओपन्ड लॉट ऑफ डोर्स फॉर अस. सो मेरी जो भी एडवाइस होगी वो ये होगी कि फर्स्ट यू शुड हैव बिलीफ इन द कॉन्सेप्ट. हम 2 साल से टिके हुए हैं बिकॉज हमको पता है कॉन्सेप्ट तो अच्छा है ही है. यू नो देर इज नो फेलिंग यू नो ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट. सो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप आगे जाओगे. यू नो आपको स्टार्टअप इंडिया से पूरी हेल्प मिल रही है. मतलब कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता था कि ये यू नो दे आर द को फाउंडर्स एंड नॉट मी बिकॉज दे हैड सो मच ऑफ. डॉक्टर दीप, बहुत इंटरेस्टिंग चीज ध्रुव ने बोली और इसके बाद मैं ऑडियंस के पास आऊंगी कि क्या एक गांव का जो एक बच्चा है या एक टीनेजर है जो एक बड़े आइडिया को लेकर आना चाह रहा है, क्या उसके लिए आज के टाइम में ये जरूरी है कि वो स्टार्टअप इंडिया से अपने आप को जोड़े?
क्योंकि अगर वो जोड़ेगा तभी उसके जहन में आइडियाज आएंगे, आपका सपोर्ट मिलेगा. बट अगर उसे गांव में बैठे आदमी को पता ही नहीं है कि भाई स्टार्टअप इंडिया क्या कर रहा है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए? गुड क्वेश्चन नीरू. स्टार्टअप इंडिया एक ऑप्शनल सर्टिफिकेशन है, ऑप्शनल रिकॉग्निशन है, मैंडेटरी नहीं है, किसी पे भी जरूरी नहीं है. राइट. आपने जो गांव की बात की, तो राजस्थान का एक एंटरप्रेन्योर है, 18 साल का लड़का है, नारायण लाल गुजर. थर्ड ईयर बीटेक में था, ही वॉजेंट 18 व्हेन ही स्टार्टेड. और उनका एक आइडिया था जो फ्लड कंट्रोल में बहुत रेलेवेंट था और ड्राउट कंट्रोल में भी था. वो स्टार्टअप इंडिया के साथ जुड़े, उन्होंने पूरा अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई, रिकॉग्निशन कराया मेरे ख्याल से 7 महीने पहले. अब उनको जापान से फंडिंग मिल चुकी है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सॉफ्ट बैंक के. लवली. एंड इट इज जस्ट बिकॉज स्टार्टअप इंडिया पे इट इज लाइक अ हब. सो द हब इज वेयर इन्वेस्टर्स एंड अदर कॉर्पोरेट्स कम, जो लोग ढूंढ रहे हैं अच्छे आइडियाज को फंड करने के लिए. अगर वहीं पे ऐसे लोग भी आएंगे जिनके पास अच्छे आइडियाज है, जो अपने स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, तो वो मैच मेकिंग आसान हो जाती है बस. ओके. सो इवन इफ यू डोंट वांट टू रजिस्टर, द हब इज स्टिल देयर फॉर यू. अगर आज मैं अपनी नौकरी छोड़ के आपके पास आऊंगी एक आइडिया लेके, तो आप मुझे मैच मेकिंग के लिए एक्सेप्ट कर लोगे? हाँ जी. और आपको उसके लिए हमारी जरूरत भी नहीं है, इट इज ओपन टू द पीपल, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ. ओके ग्रेट. नाउ आई वांट सम पीपल फ्रॉम द ऑडियंस. अगर आपके जहन में कोई सवाल है ध्रुव के लिए, एंड फिर उसके बाद मैं करण के पास जाती हूँ. यस. समरी फ्रॉम द ऑडियंस. यस गो अहेड प्लीज विद योर क्वेश्चन. यस. मेरा नाम आयुष है एंड आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन. एंड माई क्वेश्चन इज फॉर ध्रुव कि मतलब एक बार स्टार्ट करना हो जाता है, बट द मेन टास्क, द मेन आई थिंक द मेन इश्यू इज कि आप फंडिंग जनरेट करते हो, तो आपको क्या प्रॉब्लम आती है उसमें? प्रोसेस क्या होना चाहिए? क्योंकि आज स्टार्टअप मतलब आइडिया होता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने में जो फंड्स चाहिए होते हैं, आप किस आप सोचते क्या हो कि वट शुड बी द फर्स्ट थिंग ऑन योर माइंड? गुड क्वेश्चन आयुष. एक्चुअली आजकल क्या है कि यू नो पीपल स्टार्ट थिंकिंग के फंडिंग पहले ले लेंगे एंड देन यू नो देन वील गो ऑन एंड बिल्ड द बिजनेस, विच वेरी ऑनेस्टली हमारा भी कुछ ऐसा ही था कि नहीं फंडिंग मिल जाए. बट यू नो लॉट ऑफ पीपल यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई ऑल्सो रियलाइज दिस एंड यू नो पीपल अराउंड अस एक्सप्लेन्ड अस कि आपको अपना बिजनेस पे ध्यान देना है. अगर आपको बिजनेस और कॉन्सेप्ट पे भरोसा है, तो आपका बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करेगा. अब यू नो आई गिव यू केस इन पॉइंट यू नो ऑफ शिप्स कार्ट. आज की डेट में यू नो देर आर सो मेनी कंपनीज जो हमको यू नो हम पे इंटरेस्ट दिखा रही हैं, बिकॉज हम 1 करोड़ रुपए हर महीने का रेवेन्यू कर रहे हैं. अगर आप इतना, और हमारा जो टारगेट है वो है कि वी शुड बी डूइंग एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर अबाउट $3 million ऑफ वर्क, विच इज अबाउट यू नो से अबाउट 15 to 18 crores. सो अगर आप इतना पैसा, इतना रेवेन्यू दिखा के किसी, तो ध्रुव हमें भी छोटी मोटी नौकरी दे सकता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. द पार्ट इज कि अगर आप जाओगे इतनी रेवेन्यू इतना देके किसी कंपनी के पास फॉर इन्वेस्टमेंट, देन आपको इन्वेस्टमेंट मिलना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि तब तक आपका बिजनेस मॉडल भी रिफाइन हो चुका होगा, आपकी खुद अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी कंपनी के बारे में, और क्या पता आपको शायद फंडिंग की जरूरत ही ना पड़े. सो पहला काम यही है कि अपने बिजनेस रेवेन्यू पे ध्यान देना. ओके, एक सवाल और ले लेते हैं ऑडियंस से, फिर करण के पास. हाय, मेरा नाम सुभीक्षा है. सो आई हैव दिस क्वेश्चन दैट आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो आपका मेरे लिए क्या टिप होगा? ओके, बिजनेस टिप दो लाइन में, मतलब समथिंग की मुझे जो हेल्प करे फ्यूचर में. ओके, टिप यही होगा कि यू नो इफ यू बिलीव इन योर कॉन्सेप्ट and if you believe that the idea you know will be beneficial to people around you and you know to companies or you know whoever you're catering to, then you should just stick to it. aap chahe to apna idea share kar sakte hain. haan ji zarur. I know you're being diplomatic and not sharing the idea. not really. okay, I won't pressurize you for that. okay, so marine products, e-commerce in marine products, I think let's switch over to Karan now, who's all a radio man as I told you. so Karan, आपसे पूछेंगे कि जब एक ऐसा ऐप आपने डेवलप किया, ऐप वो आपने बनाया कैसे? जब मैं आपको सुन रही थी तो मेरे जहन में आ रहा था कि आप तो रेडियो में काम करते थे, तो ऐप बनाने की टेक्नोलॉजी आपने कैसे सीखी? सो यू हैड एन आईटी मैन विद यू? या, सो माय कोफाउंडर रॉबिन चोपड़ा नाम है उनका, ही हैंडल्स द टेक साइड ऑफ इट, बिकॉज फॉर समथिंग लाइक अस द ऐप इज द एसेंस ऑफ इट. एंड यहाँ पे आप रॉबिन के बिना कुछ नहीं हो. हाँ, मतलब रॉबिन और मैं दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं. इट्स लाइक अ बैड मैरिज कपल.
और इस टाइम में स्टार्टअप इंडिया ने भी हेल्प किया था. अब फॉर आर काइंड ऑफ ऐप हम बहुत क्लाउड और सर्वर स्पेस यूज करते हैं बिकॉज दीज आर हैवी फाइल्स दैट वी आर यूजिंग एंड थैंक्स टू स्टार्टअप इंडिया एंड रॉबिन एक्चुअली गॉट मी ऑन टू द वेबसाइट वेयर ही सेड दैट दे आर गिविंग अस अ स्पेस टू टेस्ट एंड गेट द क्लाउड स्पेस फॉर फ्री विच फॉर समवन लाइक अस इज अ ब्लेसिंग व्हेन यू स्टार्टिंग अप बिकॉज वैसे यू डोंट वांट टू बर्न योर हैंड्स और आप सोच रहे हो कि यार पैसे डालू नहीं डालू. तो इट वॉज ग्रेट फॉर अस टू टेस्ट आवर प्रोडक्ट आउट इन बीटा फैमिली फ्रेंड्स को दिखाने के लिए. फिर समझ आया कि प्रोडक्ट लार्जर स्केल पे चलेगा नहीं चलेगा. तो दोज सिक्स मंथ द स्टार्टअप इंडिया गेव अस एज अ बिट ऑफ अ धक्का कि भाई तुम जाओ. उसकी वजह से आज हम एक प्रॉपर ऐप इन लार्जर सर्वर बना पाए वेयर वी कैन अकोमोडेट अ लॉट मोर सॉन्ग्स. दैट्स हाउ एसेंशियली आई वुड लाइक टू लुक एट इट. तो अगर किसी आर्टिस्ट को आपसे जुड़ना होता है तो मैं गांव का रेफरेंस बार बार इसलिए कर रही हूं क्योंकि अर्बन एरियाज में बड़ी सिटीज में लोगों के लिए टेक्नोलॉजी हैंडल करना और बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ने में आसानी होती है. लेकिन एक गांव में बैठा इंसान अगर आपके ऐप से जुड़ना चाहेगा, गांव में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो गाना गाते हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, उसमें बिलीव करते हैं, तो क्या आपका ऐप सिर्फ कितने लोगों तक सीमित है और कैसे आपके ऐप तक पहुंचेगा? तो हमारे ऐप में इट्स वेरी क्लियर, मतलब हम बस एक प्रोसेस ऑफ ईमेल करते हैं बिकॉज जैसे आपने बोला गांव के लोगों को एक्चुअली अपलोड करना वो अमाउंट दैट इंटरनेट स्पेस मे ऑर नॉट बी देयर फॉर देम. तो हम बोलते हैं आप अपना बस कंटेंट ईमेल कीजिए और दिस इज द साइट इंटरफेस बेसिकली जहां पे यू कैन लिसन टू डिफरेंट म्यूजिक एंड दिस इज द रेडियो. तो ये रेडियो भी एक स्मार्ट फीचर रेडियो है जैसे कि आप देखेंगे बेस्ड ऑन आपका इंटरेक्शन हर गाने पे The radio starts understanding what you like and what you don't like. Okay. तो ऐसा नहीं है कि आप खो जाते हो. ऑप्शंस आपने सारे दिए हुए हैं. हाँ, सारे ऑप्शंस है. एक रेडियो होता है, ये स्मार्ट रेडियो है जिसमें आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा जॉनर पसंद है और मल्टीपल जॉनर्स भी. उसके बेसिस में वो रेडियो आपको फेंकता है कि कौन से गाने हम सजेस्ट करते हैं एंड बेस्ड ऑन हाउ यू इंटरेक्ट विद ईच सॉन्ग आप डिसलाइक कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं. उसके बेसिस में द रेडियो स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग एवरी टाइम फॉर अ यूजर व्हाट ही लाइक्स एंड व्हाट ही डजंट लाइक. तो दैट्स वन ऑफ द फीचर्स दैट वी हैव क्रिएटेड विच इज थैंक्स टू रॉबिन एंड स्टार्टअप इंडिया क्लाउड सर्वर विच इज वाई. नेक्स्ट ऑफ कोर्स इज द प्लेलिस्ट फीचर फॉर समवन. दिस इज वेयर आई कम इन. द प्लेलिस्ट फीचर इज टू टेल न्यू पीपल ओके इफ यू डोंट नो व्हाट द इंडिपेंडेंट सीन इज यू स्टार्ट फ्रॉम हियर. वी हैव डिफरेंट प्लेलिस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड ओके ये गाने कैसे होते हैं हिप हॉप से लेके रैप से लेकर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक तक. एंड बाकी अगर आपको पहले ही पता है तो यू कैन गो टू द आर्टिस्ट पेज एंड सर्च फॉर द आर्टिस्ट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सीन एंड गेट देयर एंटायर प्रोफाइल एंड एंटायर दिस थिंग. दैट्स हाउ एंटायर एसेंशियली. आप मुझे आपने इसकी टेक्नोलॉजी तो समझा दी. अब ये बताइए कि पैसे कितने कमा रहे हैं आप इससे? पैसे अभी हम मोनेटाइज नहीं कर रहे जैसे कि रहा. तो मेरी एंटायर जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर आफ्टर मेरी रेडियो से जॉब चली गई थी आई ऑल्सो हैड टू अर्न सम ब्रेड बटर. सो आई हैव अ फूड स्टार्टअप. आई वाज सब एक ही इंडस्ट्री में जहां हमारी जॉब कभी भी कोई उड़ा ले. एग्जैक्टली मीडिया में यही प्रॉब्लम है. और वो भी क्या लैंग्वेज की वजह से आज मैं हिंदी इतनी अच्छी बोल रहा हूँ वहां पे उन्होंने बोला हिंदी आते नहीं प्लीज गेट आउट. तो अब मैं हिंदी सीख गया हूं थोड़ी देरी करके. बट व्हाट हैपेंड टू अस वाज सो आई स्टार्टेड अप अ फूड डिलीवरी बिजनेस. आई स्टार्टेड वन ऑफ द फर्स्ट क्लाउड किचन्स इन दिल्ली एनसीआर. दिस इज बिफोर जोमैटो एंड स्विगी एक्चुअली हैड ऑनलाइन ऑर्डरिंग. तो मेरी जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर वहां से शुरू हुई जब मुझे समझ आया व्हाट इट टेक्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर. तो इन दिस आइडिया आई एम नॉट इन हरी टू मोनेटाइज इट. जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फंडिंग के लिए कब जानी चाहिए. अब होता क्या है बहुत लोग अपने हाथ जलाने जाते हैं और पहले ही फंडिंग के पास पहुंच जाते हैं कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो. बट प्लेइंग विद अनदर मैन्स मनी इज अ वेरी डेंजरस स्कीम. ये मुझे मेरे एक मेंटर जो स्टार्टअप इंडिया में मिला था उन्होंने बताया था कि दूसरों के पैसे से मत खेलो पहले अपने पैसे से खेलो. सो इवन इन हियर वी हैव इन्वेस्टेड इट इन आर ओन मनी बोथ मी एंड माय पार्टनर रॉबिन. कितना इन्वेस्ट किया आपने? हमने अबाउट ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया. हमने 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है टू क्रिएट द बेसिक टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ इट एंड टू बाय द सर्वर स्पेसेस विच नाउ वी मूव्ड ऑन टू प्रोफेशनल सर्वर स्पेसेस. बाकी उसके बाद मैं एज अ म्यूजिशियन माई सेल्फ न्यू लॉट ऑफ म्यूजिशियंस. सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू रीच आउट टू द नेटवर्क ऑफ म्यूजिशियंस. नाउ हमारे लिए ट्रबल आता है टू गेट द लिसनर्स बिकॉज द लिसनर्स मे और मे नॉट बिलीव की इंडिपेंडेंट म्यूजिक एक प्लेटफॉर्म है. अब दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया. एक्सपोजर क्यों नहीं मिलता? सपोज ये सर ने कल गाना बनाया, इनका गाना क्यों नहीं चलेगा बट जस्टिन बीबर का गाना चलेगा 1 million times इवन दो ही मे बी एज गुड बिकॉज ही विल नेवर हैव द फंड सपोर्टिंग हिम और बैकिंग हिम अप. तो हम बोल रहे हैं कि छोड़ो वो सब, हम एक इवन प्लेइंग फील्ड लाएंगे आपके लिए जहां पे आप लेबल्स में विश्वास नहीं करते. आपने कह दिया लेबल्स की दुनिया खत्म करो. मैम लेबल्स की वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री पिट रही है बिकॉज लेबल्स पैसा ले जाते हैं आर्टिस्ट पैसा ले जाता एंड दैट्स व्हाई द म्यूजिक इंडस्ट्री अर्न्स मोस्ट ऑफ इट्स मनी थ्रू लाइव म्यूजिक. आई एम श्योर पीपल फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री हु विल बी वॉचिंग दिस प्रोग्राम दे विल फ्राउन एट यू. आई होप सो बिकॉज वी आर हियर टू स्टे एंड होपफुली डिस्टर्ब देम. ओके अब करण के लिए कुछ सवाल ले लेते हैं ऑडियंस से. यस हेलो, मेरा नाम भावेश गुप्ता है एंड मैं एक एस्पायरिंग सिंगर हूँ. तो मुझे ये जानना है कि मैं आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ और कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ने का.
तो ऐसे कोई उसके लिए गाना सुनाना पड़ेगा इनको पहले आप गाना सुनाई दो तो बहुत ही हाँ गाना सुना सकते हो सुना दो नथिंग लाइक इट दो लाइन में जल्दी से कर देंगे फिर अभी आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हो जाएगा मतलब अब थोड़ी नर्वस हो रहे हैं वो आई थिंक आई विल गिव यू द बेटर वे तो आप अगर हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाए वहां पे देयर इज अ रीच आउट पेज वेयर यू कैन देयर इज सिंपल ईमेल contact@trunketmusic.com आप वहां पे हमें बहुत आर्टिस्ट दिन भर दिन गाने भेजते रहते हैं और हमारी एक छोटी सी कंटेंट टीम बस ये देखती है कि ये गाना प्रोफेशनली रिकॉर्डेड है या नहीं बिकॉज आई डोंट वॉन्ट द लिसनर्स टू गेट एन इंटरफेरेंस इन देयर क्वालिटी दैट दे आर गेटिंग अदरवाइज इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी टू कम्पीट विद स्पॉटिफाई और जियो सावन सो मैं कह रहा हूं क्वालिटी मेरे पास वही है आप एक चांस तो दीजिए एंड दैट्स वाई एनी सिंगर वेदर यू बिलीव इन योर सेल्फ और डोंट और वेदर यू आर दिस थिंग अब होता क्या है माँ बाप जैसे दिस थिंग में आपने क्रिकेट में पहले वो बोलते थे यार 11 लोग चुनते हैं पूरे देश में छोड़ो बट आईपीएल ने चेंज कर दिया अब आईपीएल उस गेम में पैसे ले आया कि हर बंदा छोटे छोटे गांव से क्रिकेट खेल सकता है सिमिलरली म्यूजिक इंडस्ट्री में क्यों नहीं हो सकता जहां पे लेट्स एक्सपैंड द होराइजन ऐसा नहीं कि 5 ही स्टार है दुनिया में स्टार आप भी हो सकते हो ये भी हो सकते हो तो मेरा पर्पस ये है कि आप पहले गाना भेजो लेट्स कनेक्ट यू टू द ऑडियंस उसके बाद I will ensure that you are monetized. I will ensure that I will connect you to labels. I will make you the next star, जो इंडिया को चाहिए Because I have already know आपको कौन कहां सुन रहा है कितना सुन रहा है कोई पसंद कर रहा है नहीं पसंद कर रहा है ये सब डेटा को एनालाइज करते हुए I can tell you whether tomorrow you will be a worthwhile investment or not. That is how our platform works. Okay. आपका और उसके बाद राजीव के पास भी मैं आऊंगी कि अक्सर जैसे फंडिंग एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि रोड ब्लॉक के रूप में रहता है कि फंडिंग कैसे होगी और जैसा करण ने और ध्रुव ने भी यही बोला कि भाई फंडिंग की कहां से आएगी पैसे की हमें जल्दी नहीं है तो आप लोगों को कैसे बताओगे कि नाउ द टाइम इज राइट दैट यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ मोनेटाइजिंग जैसे अभी करण ने अभी मोनेटाइज करने के लिए नहीं सोचा है लेकिन बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसा आदमी अगर आज उतरेगा एक आइडिया लेके तो सबसे पहले मेरे जहन में जवाब मतलब जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि सबसे पहले पैसे कितने आएंगे हर महीने की मेरी आमदनी कितनी होगी तो आप इस चीज के लिए कैसे एजुकेट करते हो लोगों को क्या बताते हो उनको यही माइंडसेट चेंज करने के लिए और उस एंटरप्रेन्योर तक पहुंचने के लिए जो आज एक टीयर टू टीयर थ्री सिटी में बैठा है हमारी टीम ने 22 सिटीज एंड 700 डिस्ट्रिक्ट्स में एक स्टार्टअप इंडिया यात्रा कंडक्ट की थी ओह लवली हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज किए थे और लोगों को बताया था कि ए अगर आपके पास आइडिया नहीं भी है तो आप आइडिया के बारे में कैसे सोचो अपॉर्चुनिटीज देखो प्रॉब्लम सॉल्व करो अपने आसपास फिर उस आइडिया को एक बिजनेस पे कैसे लेके जाओ और पहले एक आइडिया की फिजिबिलिटी टेस्ट कर लो ट्रैक्शन बना लो अगर आपको अपने आइडिया में भरोसा है अगर ये आइडिया एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो ये अवश्य सक्सेसफुल होगा पैसा आपके पीछे भाग कर आएगा अगर आप अपने बिजनेस पे अच्छे से फोकस हैं तो ये मैसेज हमने शहर शहर गांव गांव जाके ये पास किया था और इसी के बदौलत आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज हमारी वेबसाइट से जुड़ गए हैं जहां पर उन्हें ये सारा सहायता मिलती है उन्हें मेंटर्स मिलते हैं अपने एरिया के अनुसार जिनसे वो बात कर सकते हैं कि मैं अपने आइडिया के साथ और कैसे करूं मुझे ये सहायता चाहिए मुझे अपने आइडिया में इस बंदे से कनेक्ट करना है मैं अपने आइडिया को और कैसे आगे लेके जाऊं ये सारी सहायता मुझे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलती है जहां मैं किसी से भी अपने घर बैठे कनेक्ट कर सकती हूँ चाहे वो मेंटर हो एक बड़ा कॉरपोरेट हो गवर्नमेंट के लोग हो या कोई भी इन्वेस्टर क्यों ना बहुत सारी एमएसएमईज भी हैं जो आउटरीच प्रोग्राम्स इसमें हाँ। कर रहे हैं और बहुत सारी एमएसएमई से जुड़े स्टार्टअप्स हैं वो इससे भी जुड़े हुए हैं राजीव आप इस पर कुछ कॉमेंट करना चाहेंगे नहीं मैं कहूंगा जी इन्वेस्ट इंडिया इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बस ये कि फंडिंग लेना इतना आसान तो होता नहीं है पर इन्होंने इसको बहुत आसान बना दिया पर अगर आज जैसे प्रीत ने बताया कि गांव में 18 साल का बच्चा है और उसको सॉफ्ट बैंक ने फंडिंग करी है इस तरीके की वीडियोस बना के अगर आप उसको प्रमोट करें और गांव में पता चले कि उसने उसकी जर्नी का कैसे रही हाँ। कैसे उसने किया तो ये भी बहुत एनकरेजिंग होगी गांव गांव में पता चलेगा कि फंडिंग कैसे मिल जाती है कैसे हो जाता है तो अगर एक उसका रोड मैप बना दिया जाए वीडियो के जरिए तो ये बहुत अच्छा होगा वेरी गुड सजेशन और जैसा आपने कहा कि 22 सिटीज में आपके आउटरीच कैंप्स अभी चल रहे हैं तो यू प्लान टू एक्सटेंड इट फर्दर टू ऑल द सिटीज अक्रॉस इंडिया हाँ जी बिल्कुल ओके सभी सिटीज सभी यूनियन टेरिटरीज के साथ जुड़ना चाहते लवली ध्रुव और करण से मेरा जो सवाल है कि कोई भी कंपनी जब बनती है और आपकी ऑलरेडी बन चुकी है एक प्लेटफॉर्म उसको मिल गया है व्हाट अबाउट सेल्स मार्केटिंग ब्रांडिंग भी एक बहुत बड़ा पोजीशन आप कैसे करोगे अपने आप को इतने बड़े ग्लोबल पोजिशनिंग आपको करनी पड़ेगी तो वहां उसके लिए कैसे पैसे आएंगे क्या आपके पास इनफ रेवेन्यू है टू पोजिशन योर सेल्फ इन द ग्लोबल मार्केट Before coming to your question, I like to add on to the last part. Go ahead, please. So basically, startup, I will always suggest anybody
यू नो एनी स्टार्टअप को फाउंडर टू विजिट द स्टार्टअप वेबसाइट एवरी डे. सो आप मेरे कंप्यूटर पर कभी देंगे तो हमेशा स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट खुली रहती है, क्योंकि इनके रोज के रोज चैलेंजेस आते हैं, यू नो कॉम्पिटिशन आते हैं. अभी हमने पिछले 10 दिन पहले एक कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था वेर यू नो यू गेट अ फ्री ऑफिस स्पेस इन दुबई एंड ऑल्सो कनेक्ट विद इन्वेस्टर्स, फ्री लाइसेंसिंग टू सेटअप योर बिजनेस इन दुबई. आपको दुबई में जाने का मौका इन्होंने दिया है अभी. तो हम फर्स्ट आए इनकी बदौलत. Now we'll have a last time, Dr. Preet. I'm the next in the line. so that is how they helped us, you know, because बहुत expensive है दुबई में office खोलना, और उनकी बदौलत हमको वो free of cost मिल गया, you know, for a year. So coming to the question के marketing कैसे करनी है globally, अपने product को कैसे बढ़ाना है, again the point would be same के जैसे जैसे business बढ़ता रहेगा आपके पास you know revenue आता रहेगा. And now जैसे यू नो सर बता रहे थे कि रेवेन्यू को चैनलाइज कैसे करना है, आपको कहां पे पैसा खर्च करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज व्हाई हम लोग भी यू नो नए थे, तो बट वी हैव मेंटर्स टू गाइड अस आल्सो. सो यू नो कि पैसा आपको आपके पास इतना है, यू नो अपनी सैलरीज थोड़ी निकालिए और बाकी पैसे को यहां लगाइए, और सोशल मीडिया का जितना भी यूज हो सकता है. आज के थोड़ा ऑकवर्ड सवाल है, आपको इंटरप्ट कर रही हूं. अपनी कंपनी से कितनी सैलरी आप ड्रॉ करते हो हर महीने? पहले 1.5 साल तो हमने कुछ भी नहीं लिया. अच्छा, कुछ भी नहीं लिया. सो इट वाज, लेकिन घर चलाने की टेंशन नहीं थी? क्यों नहीं थी, देखो 1.5 साल कुछ नहीं लिया तो फिर घर कैसे, आई मीन बहुत मुश्किल था. आई मीन फ्रस्ट्रेशन एंड यू नो आपस में भी यू नो बहुत नोकझोंक होती थी, बिकॉज आपका पैसा नहीं है ना, और आपने यू नो थैंकफुली वी बीन इन गुड प्रोफेशन, तो पैसा देखा है और एकदम से जीरो कुछ भी नहीं है, तो शुरू में बहुत मुश्किल हुआ. 4 महीने पहले हमने स्टार्ट किया, वी यू नो वी स्टार्टेड ड्रॉइंग 75,000 फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ, ग्रेजुअली 1 लाख 1.5 लाख ऑफ यू नो बिकॉज वी आर डूइंग वेल एंड वी आर मेकिंग द रेवेन्यू, देन यू नो वी टेकिंग सैलरी. आपने 1.5 लाख से ही आगे गया रही. इसका मतलब नंबर 0,0,0 आप ऐड करते जाओ, ये बाद में बताएगा हमें. आई होप ऐसा हो जल्दी, बट अभी तो इतने भी हैं. आई विश यू मेनी जीरो. जो ध्रुव का लाइन ऑफ वर्क है दैट्स डिफरेंट, बिकॉज इनका बहुत एक रेवेन्यू डिपेंडेंट लाइन ऑफ वर्क है, दैट्स व्हाट इज द कोर ऑफ हिज बिजनेस इज. आई एम लुकिंग एट थिंग्स लिटिल डिफरेंटली. रेवेन्यू आएगा बट आप वेट करो. अब जैसे सपोज मैं एग्जांपल दूं सब यूनिकॉर्न कंपनीज का, जोमैटो ने, मैं फूड इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, वहां पे मैं सक्सेसफुली कर चुका हूँ, तो अब मैं वही रेप्लिकेट कर रहा हूँ, वही एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे ला रहा हूँ. अब जब जोमैटो ने शुरू किया था, आई स्टार्टेड बिफोर जोमैटो एज अ क्लाउड किचन, जोमैटो ने कहा कि हम कोई पैसा नहीं लेंगे, आप बस अपना प्लेटफॉर्म लिस्ट करो. आज ऐसा डेट पे आ गया कि जोमैटो के बगैर मुझे ऑर्डर नहीं आते. नाउ दैट डिपेंडेंस ऑन जोमैटो टू नॉट बी ग्रीडी फॉर रेवेन्यू गॉट देम टू अ यूनिकॉर्न स्टेटस. सो फॉर मीडिया, फॉर थिंग्स लाइक डिपेंडेंसी एंड सर्विसेज, सर्विसेज नीड नॉट लुक एट रेवेन्यू राइट नाउ, सर्विसेज नीड्स टू लुक एट डिपेंडेंसी. When you get people on board, they are yours. फिर आप बकरा काटो और पैसा कमाओ. तो एक छोटी सी वेट है, बस वो वेट के लिए आपको ऑब्वियसली योर हार्ट एंड सोल डालना पड़ेगा. उस हार्ट एंड सोल के बगैर इट मीन्स यू हैव अ हार्डशिप ऑफ लाइफ, योर सोशल लाइफ गोज फॉर अ टॉस, योर गर्लफ्रेंड माइट लीव यू, देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू लुक इनटू. बट बी रेडी टू टेक दोज रिस्क. दोज चांसेस कम विद द स्टार्टअप लाइफ, बट यू हैव टू बिलीव इन योर आइडिया एंड बिलीव दैट यू आर मेंट फॉर समथिंग ग्रेटर. एंड सूनर वन वे ऑर द अदर, आई एम श्योर विद योर ऑनेस्ट एफर्ट सक्सेस मिल जाता है लोगों को, और किसी को नहीं. एवरीवन, अभी आप आज रॉक स्टार्स हो और हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं. एक सवाल जो मैं आप दोनों से भी करूंगी और फिर राजीव से भी उसके बारे में पूछूंगी, कि जब स्टार्टअप्स की बात की जाती है तो हमने फंडिंग की बात किया, हमने मार्केटिंग सेल्स ब्रांडिंग में आप कैसे हैंड होल्डिंग करोगे उसकी बात की, लेकिन इनोवेशन का एक बहुत बड़ा रोल है जिसके बारे में बहुत बातचीत होती है. स्किलिंग ऑफ पीपल, इसके बारे में हम बिल्कुल बातचीत नहीं करते. तो उसका क्या रोल रहता है पूरी जो इनोवेशन और स्किलिंग ऑफ पीपल, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द मॉडल, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग. सो हाउ डू यू रियली हैंड होल्ड पीपल एज फार एज दीज थ्री फैक्टर्स आर कंसर्न? तो हम आज ये कोशिश कर रहे हैं कि इनोवेशन राइट एट द स्कूल लेवल से ही शुरू हो जाए. ओके. तो हमने अभी तक 8,000 स्कूल्स आइडेंटिफाई किए जहां पे टिंकरिंग लैब्स सेटअप हो रहे हैं अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन के अंडर. अब ये टिंकरिंग लैब्स बच्चों की सहायता कर रहे हैं स्टेम सेल टूल किट्स देके कि वो नई नई चीजें बना पाए, एक्सपेरिमेंट करे, कुछ भी करे, बस एक कुछ बनाए. उनके साथ सारा इक्विपमेंट जोड़ दिया गया है, टीचर्स को ट्रेन करा गया है वो इक्विपमेंट्स यूज करवाने के लिए, सो दैट द थॉट ऑफ इनोवेशन इज सीडेड इन देम राइट फ्रॉम द स्टार्ट एंड उन्हें डर ना लगे कुछ अपना नया बनाते हुए. तो इसी स्कूल लेवल से शुरू करते हुए इंक्यूबेटर्स एट द कॉलेज लेवल, हर अकेडमीज में आजकल प्रमोट करें कि इंक्यूबेटर्स हो विच आर लाइक अ स्टार्टअप स्कूल, जहां पे एक स्टार्टअप एंटर करता है एज अ आइडिया स्टेज एंटरप्रेन्योर एंड निकलता है एज अ सक्सेसफुल स्टार्टअप. आज
तो ये इंक्यूबेटर्स डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर साइंस आपको मैं इंटरप्ट करूंगी, मैंने आईआईएम्स और हायर इंस्टीट्यूट्स में देखा है कि इंक्यूबेटर्स होते हैं एंड हु हेल्प द इन्वेस्टर्स एंड द पीपल हु आर द एंटरप्रेन्योर्स हु वांटिंग टू टेक अप द प्रोजेक्ट, उनकी भी मदद की जाती है। तो इसी तरह से आप स्कूल के लेवल पर स्टार्ट करोगे, लेकिन मेरा सवाल फिर से वही है कि क्या गांव के स्कूल में ऐसे इंक्यूबेशन लैब्स या कुछ इस तरीके की सहूलतें क्या गांव के बच्चों को मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। तभी अगर आप ये देखें कि ये जो 8000 है ये ऑल अक्रॉस इंडिया है, ये सिर्फ दिल्ली बॉम्बे बैंगलोर में सीमित नहीं है। यहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही बहुत है, बट हमारी ये कोशिश है कि हम गांव-गांव और उन स्कूलों में जाकर ये करें। और अगर एक स्कूल में भी है तो आसपास के सारे बच्चे स्कूल में आके ले सकते हैं, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट वन स्कूल अलोन। तो ये इसकी ब्यूटी है कि कोई भी कहीं पे भी जाके एक्सेस कर सकता है इन फैसिलिटीज। यस डॉक्टर दीप, इसी चीज पर जो आपने बोला कि क्या गांव के लोगों को मिलेगा, तो हम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जगहें थोड़ी वेल एंडाउड हैं, थोड़ी इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, दिल्ली बैंगलोर, यहीं पे शायद ज्यादा इनोवेशंस आएंगी। छत्तीसगढ़ में रायपुर कैपिटल है, रायपुर से 3 घंटे दूर एक जगह है कोंडानंद गांव। कोंडानंद गांव बहुत बहुत कम लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा। वहां पे 3 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स गूगल के प्रोजेक्ट लून से कम्पीट कर रहे हैं एंड दे हैव अ स्टार्टअप दैट कैन एक्चुअली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यस इट इज अनबिलीवेबल एंड वी वर सरप्राइज्ड लुकिंग एट स्टार्टअप्स इन प्लेसेस दैट वी हैव नॉट इवन हर्ड ऑफ कि ओ दिस प्लेस ऑल्सो एग्जिस्ट। टुडे वी हैव स्टार्टअप्स इन मोर देन 500 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट फॉर लक्षद्वीप, इट इज देयर इन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री। सो यस देयर इज अ लॉट ऑफ होलिस्टिक रीच ऑल्सो। देर इज अ होलिस्टिक रीच और हमारा जो ये कार्यक्रम है स्टार्टअप्स की बात, मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगी कि हमारा ये कार्यक्रम दूर दराज इलाकों तक पहुंचेगा और गांव का बच्चा, शहर का वो व्यक्ति जो अपने एक आइडिया को बड़े बिजनेस या बड़े वेंचर में तब्दील कर रहा है, आई जस्ट होप दैट दिस प्रोग्राम फैसिलिटेट्स और उसी तरीके का माहौल आपको भी दे। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे है राजीव जी कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ द मॉडल, आपकी ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है, सस्टेनेबिलिटी आपके लिए भी एक बहुत बड़ा इशू रहा होगा और कई पड़ावों को पार करके आप आज यहां तक पहुंचे हैं, तो अगर आपको यंग एंटरप्रेन्योर्स को आज कुछ कहना है तो आप क्या बोलोगे? ओके, ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेरा बहुत सारे मैसेज दे सकता हूं मैं, जैसे आप चाहें। सबसे पहले तो कभी कोई गलत काम ना करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लाइफ में बहुत बार जीरो हुआ, बहुत ऊपर गया, बहुत नीचे आया, मतलब मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे, ऐसा भी हुआ, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में गलत काम नहीं किया। तो लाइफ में कभी कोई गलत काम ना करें, किसी का हक ना मारे, किसी का पैसा ना मारे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने ऊपर भरोसा रखें, जो आप में एक जील है, जो भी एक एंटरप्रेन्योर है, कोई ना कोई खासियत होती है। ये नहीं कह सकते कि रतन टाटा जी का एक स्टाइल अच्छा है, अंबानी जी का एक स्टाइल अच्छा है, हमारा स्टाइल अच्छा है। हर एंटरप्रेन्योर में कोई ना कोई खासियत है, हर इंसान जो एक एंटरप्रेन्योर है, जो अपनी कंपनी चला रहा है, उसमें कोई ना कोई खास बात है, तभी वो हजारों लोगों को लेकर चला रहा है। उस पर बहुत विश्वास करें और अपना स्टाइल मत बदलें। आज अगर सहवाग अपने स्टाइल से खेलता है तो रोहित अपने स्टाइल से खेलता है, तो वो स्टाइल ना बदले दूसरे को देख के, अपने स्टाइल पे रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अपने ऊपर घमंड ना करें। होता क्या, इंसान के पास पैसा आ जाता है, वो इंसान को इंसान ही नहीं समझता, वो घमंडी हो जाता है। अपनी टीम पे बहुत भरोसा रखें, उस टीम को बांध के रखें, ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। हम अकेला, एक अकेला विराट कोहली इंडिया को नहीं जिता सकता। तो आपकी जो टीम पर हाथ रख रहे हो तो आपकी जो टीम है उस पर आप बहुत भरोसा रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक होती है जी विल पावर, कि मेरे में विल है, कहते ना सब कहते हैं विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, पर मैं पहले कहता हूं जी विश पावर होनी चाहिए, इच्छा पहली आती है, इच्छा फिर आती है विल। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राजीव एक्सेल, नॉट विल पावर बट इट्स अ विश पावर दैट विल मेक यू। तो जो आपने विश बनाई है अपनी, उस पर चलते चले। अगर आपका रास्ता सही है, आपका ट्रैक सही है, तो आप पहुंचेंगे, क्या फर्क पड़ेगा 5 साल में नहीं, 6 में, 6 में नहीं, 7 में पहुंच जाएंगे, पर वहां पहुंचेंगे जरूर। अब ये जो लाइन आपने बोली है उससे मुझे एक छोटा सा क्यू मिला और मैं जब आज अपने नोट्स बना रही थी तो वो लाइन थोड़ा सा मैं दर्शकों के लिए दोहराऊंगी और फिर इनकी पीठ थपथपाऊंगी ध्रुव और करण की। और वो ये लाइन है कि दूसरों के बनाए रास्तों पर चलकर आप सुरक्षित जरूर होंगे, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन मंजिल पाने के लिए रास्ते खुद ही बनाने पड़ेंगे। तो ऑन दैट नोट इट्स टाइम फॉर अस टू क्लोज दिस एपिसोड ऑफ स्टार्टअप्स की बात, लेकिन चलते चलते
आपसे दो लाइन में जानना चाहेंगे कि क्या मैसेज होगा आज उन यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो आज कुछ जीवन में करना चाह रहे हैं और फिर गांव में बैठे इंसान के बारे में जरूर सोचें। सो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जस्ट बिलीव इन योर ड्रीम, और जैसे सर ने कहा था कि योर टीम इज एवरीथिंग, बिकॉज बिजनेस में आपको अप्स डाउन्स मिलेंगे एंड अप्स में तो सब पार्टी करते हैं, बट डाउन्स में फिर दैट व्हेन यू स्टिक टुगेदर थ्रू दैट फेज इज व्हेन यू नो यू हैव अ ग्रेट पार्टनर ऑन योर टीम एंड फाइंड अ पार्टनर हु कैन बैलेंस आउट योर नेगेटिव्स, दैट्स एसेंशियल। एंड ऑलवेज बिलीव इन योर ड्रीम नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स। पैसा आएगा, पैसा प्रायोरिटी मत रखो, दूसरे का पैसा और भी कम प्रायोरिटी रखो और बस विश्वास और अपनी ड्रीम को फुलफिल करो अपने आप समझ। I just read it somewhere online, this phrase that really caught up with me. It says that work hard, be humble, and rest everything is just luck. So I just follow that. Everything will fall in place. And that exactly has what has happened with people like Dhruv and Karan. They are an example. इन्होंने एक मिसाल कायम की है, तो सभी से ये उम्मीद होगी कि करण और ध्रुव ने जैसे आइडियाज फ्लोट किए, जैसे वो सफलता की यात्रा उन्होंने पूरी की है, तो आज ये अपने आप में एक रॉकस्टार है, और रॉकस्टार है तो एक सेल्फी तो बनती है। Absolutely. तो मैं अकेले सेल्फी नहीं लूंगी, मैं सबको आमंत्रित करूंगी, आप सारे ऑडियंस में बैठे हुए लोग और डॉक्टर प्रीत, आस्था और राजीव, आप लोग भी प्लीज आगे आइए और एक सेल्फी मोमेंट हो जाए हमारे स्टार्टअप्स की बात इस कार्यक्रम में। जैसा मैंने पहले कहा, हमें उम्मीद है, आइए आप लोग आते जाइए। तो स्टार्टअप्स की बात में आज के एपिसोड में इतना ही। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि हर हफ्ते हम आपके लिए सफलता की कहानियां आपके लिए लेकर आएंगे, आपको उन एंटरप्रेन्योर्स या उद्यमियों से मिलाएंगे जिन्होंने एक छोटे से आइडिया को बड़ा मकाम दिया है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और रॉक स्टार्स के साथ जिन्होंने स्टार्टअप की दुनिया में चहलकदमी की है, धूम मचाई है। तो फिर से आपके साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।